हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज ऑफिस में फर्स्ट डे है नए साल का। तो गाइस, तैयार हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। पूजा वगैरह भी कर ली है, पापा जी भी उठ के। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा ऑफिस के लिए। आज ठंड बहुत 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 ज़्यादा ठंड है, तो अभी निकलते हैं फटाफट, क्योंकि फिर आराम से जाएंगे। आराम से चले या फिर जल्दी जल्दी चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठंड तो वैसे की वैसे रहने वाली है। चलो भाई, पापा सात बज गया आज। अभी तक देखो उजाला प्रॉपर हो तो गया है, बट ये धुंध की वजह से ऐसा लग रहा है। यहाँ तो बिल्कुल ही लग रहा है अंधेरा यार सामने। अरे दुकानें बंद, खाली लाइटें जली हुई हैं अभी। आज क्या हो गया है सच्ची में? सामने देखो, बिल्डिंग में खाली लाइटें जली हुई दिख रही हैं ऑफिस की, बाकी कुछ दिखी नहीं रहा इतने दूर से। भाई साहब, वाकई में आज तो बिल्कुल ही यार अजीब सा लग रहा है। अभी तक 7:20 हो चुके हैं, 15-20 मिनट अभी तक नहीं हुआ ढंग से उजाला। उजाला तो हो गया है, बट ये धुंध की वजह से ना सब अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। यहाँ अभी ये गार्डन में थोड़ा सा ही दिख रहा है पिक्चर, बाकी पीछे जहाँ से आया हूँ अभी गली से होते हुए, वहाँ का तो बिल्कुल भी व्यू नहीं दिख रहा ढंग से। वैसे यहाँ का नहीं दिख रहा, जो दूर साइड का एरिया है धुंध की वजह से। ये देखो तो अभी गाइस अभी पहुंच गया ऑफिस, जुड़ेंगे हम लोग फिर शाम को। तो अभी गाइस अभी आ गया हूँ घर पे। ऑफिस में आज काम वाम आजकल ज़्यादा काम चल रहा है, एक तो सर्दी ने परेशान करके रखा हुआ है। अभी मैं ऑफिस से आने के बाद मैं गया था दिल्ली से मैं होके आया हूँ अभी। तो दिल्ली में मेरे को फॉग नहीं दिखा और हवा भी, हालांकि ठंड है वहाँ पर धुंध नहीं है। जितनी गुड़गांव में धुंध और ठंड है ना, हालत ख़राब है। क्योंकि मैं कैब से आया था, तो वहाँ से आते टाइम यहाँ पर ये साइबर सिटी और उसका जो ऊपर का ब्रिज है वहाँ पर, भाई साहब आगे के लिए रोड ही नहीं दिख रही है, इतनी धुंध है वहाँ पे। मैं ब्लॉगिंग करता, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, उस वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाया मैं। तो उधर से फिर जब हम लोगों ने यू टर्न लिया यहाँ के लिए, सिकंदरपुर के लिए आगे से ये इफ़ो चौक से, तब जाके भाई साहब यहाँ जब आते 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 थोड़ा कम दिखा, बाकी वो पल्ली साइड में तो इतना फॉग और धुंध है क्या बताओ। और ठंड भी बहुत ज़्यादा, ठंड से हालत ख़राब है आज। अब क्या ये मकर संक्रांति तक तो रहेगी ठंड, उसके बाद देखो फिर धीरे धीरे कम हुई तो हुई, वरना मुझे नहीं लग रहा कि तब तक कम होएगी, क्योंकि अभी रहने वाली है ठंड। तो अभी गाइस अभी पापा जी डिनर कर रहे हैं। पापा जी डिनर कर रहे हो, मेरे को नहीं पूछ रहे आज आप हैं? टीवी देखने में मस्त हो आप? अच्छा, मैं चाय पीऊँगा। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो। तो गाइस मेरी एक बहुत गंदी आदत है, कभी कभार ना मैं क्या करता हूँ, जहाँ वहाँ से आया खाने का टाइम हो भले ही, टाइम खाने का रहता है, पर मैं कहता हूँ भाभी एक चाय बनाओ, मेरे को चाय चाहिए। पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता, इतनी चाय की लत लग चुकी है मेरे को। मैं छोड़ रहा हूँ कि छोड़ दूँगा, कभी कभार ही छोड़ पाता हूँ, फिर से एक चाय चाहिए, मतलब एक घूट तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो अभी बना रहे भाभी, थोड़ा सा पीऊँगा उसके बाद फिर मैं भी डिनर करूँगा। अभी पापा जी लोग बोल रहे हैं कि बालों को काट दे, मैं भी सोच रहा हूँ बालों को काट दूँ, वरना ये यहाँ तक ना गहरा जा रहा है, फिर मैं पता लगा मैं हो जाऊँगा टकला, फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छे मेरे को बाल काटने पड़ेंगे भाई, काट दूंगा तो ये झड़ेंगे भी नहीं और सही रहेंगे, है ना पापा? तो अभी गाइस डिनर वगैरह भी कर लिया है,
अभी कर रहा हूँ एडिटिंग और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइज, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।